यूपी में वो मायावती चूंकि खेल कर देती आखिरी वक्त पे पैसे के लालच में, बाकी ना पंजीयन दबाव तो बहुत तरह के थे पर मैंने माना नहीं कोई दबाव। धरने पर किसान दोबारा बैठे तो क्या आप उनके साथ? सब जगह जाऊंगा जहां भी बैठे। किसानों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इससे बड़ा क्या संदेश है भाई, लड़ो, जो लड़ेगा वो पाएगा, वो जीतेगा। मलिक साहब, जो देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आज मोदी मोदी हो रहा है, पीएम मोदी का ही नाम है, क्या कहेंगे आज की राजनीति और पीछे जो आपने देखा है राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? देखिए फर्क ये है कि ये सारा मीडिया का खेल है, कोई मोदी मोदी नहीं कर रहा। आप अभी देखो ये जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें सब जगह घटे हैं, लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलने का। बंगाल हारेंगे, केरल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, और सिर्फ यूपी में वो मायावती चूंकि खेल कर देती आखिरी वक्त पे पैसे के लालच में, बाकी ना पंजाब जीत रहे ना हरियाणा जीत रहे। किसान आंदोलन के बाद जो स्थिति पैदा हुई देश में, तो 2024 के चुनाव में क्या मलिक साहब उसका असर देखने को मिलेगा? इससे बढ़ा हुआ मिलेगा जो आज, तो भाजपा को लोग इसके खेल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ अडानी के गोदाम बनवा दिए इन्होंने पानीपत में। बड़े पैमाने पे गेहूं खरीद के दाम आएंगे क्योंकि गेहूं महंगा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, किसान के तो दाना रहा नहीं, उसका तो चला गया, तो अभी अडानी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। किसान की आय जो बढ़ाने की बात थी वो आज बढ़ी नहीं है, किसान दुखी है, तो क्या कहेंगे? देखो किसान की आय तो कभी नहीं बढ़ी बेचारे की, वो तो ऐसे ही उथल पुथल रहता है। किसान की आय बढ़ाने का इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई वो नहीं किया तरीका कार के, इससे आमदनी बढ़े, आमदनी